10 साल से। देखिए आदमी मोनोटोनस चीजों को नहीं करता है। हम घर में भी सब्जी पकाते हैं ना, तो एक ही तरह की सब्जी अगर दूसरे दिन बन जाए ना तो आदमी बोर होने लगता है। ये होता है मोनोटोनस नेचर। तो वोटर्स का भी मोनोटोनस नेचर होता है, और ये मोनोटोनस जो नेचर होता है ये एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को जन्म देता है। तो बंगाल में एंटी इनकम्बेंसी जो है वो सत्ता पक्ष के साथ है, यानी ममता दीदी के साथ है। एंटी इनकम्बेंसी को मैनेज करने का जो इफेक्टिव तरीका है वो मैंने देखा ही नहीं, बंगाल चुनाव में मैंने देखा ही नहीं। एंटी इनकम्बेंसी को कैसे पहचाना जाए और कैसे मैनेज किया जाए, ये अगेन एक बहुत टिपिकल चीज है। मैं आपको बता दूं कि कैसे उसमें वोटर को अपने साथ लगातार इंगेज करके रखे रहना पड़ता है कि उनका नेचर मोनोटोनस ना हो, उनका इंटरेस्ट ताकि अभी भी बाकी रहे। एंटी इनकम्बेंसी को तोड़ने के लिए किसी भी एंगल से ममता दीदी ने काम नहीं किया है। इनके पूरे इलेक्शन कैंपेन की अगर आप निगरानी करिए और देखिए इनको, तो कहीं पे कोई ऐसा सिम्टम नहीं दिखेगा, नैरेटिव नहीं दिखेगा, इफर्ट नहीं दिखेगा जिस पे इन्होंने एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को मैनेज किया हो। इन सब चीजों को देखा जाता है कि आपकी जो स्ट्रेटजी है, आपका इम्प्लीमेंटेशन है, आपकी रैलियां हैं। ज्यादातर रैलियों में ममता दीदी उलझ गई इंडिविजुअली बीजेपी के साथ या बीजेपी के लीडर्स के साथ। उनको इंडिविजुअली किसी पार्टी से नहीं उलझना है, उनको इंडिविजुअली, देखिए जो चैलेंजर होता है वो तो उलझ सकता है क्योंकि उसका तो टारगेट ही यही होता है कि हमें इस सत्ता को उखाड़ के फेंकना है। लेकिन जो लीडर है उसको ये गलती कभी नहीं करनी चाहिए कि आप इंडिविजुअली पार्टी या इंडिविजुअली लीडर से आप उलझ जाइए। सारा कैंपेन इंडिविजुअल पार्टी से वो उलझने में उनका चला गया, या इंडिविजुअल लीडर से वो उलझ गए, या इंडिविजुअल व्यक्तियों से आप उलझ गए ये बोल के कि यूपी बिहार से जो है गुंडे बुलाए जा रहे हैं। अगर आप एक गंभीर नेता हैं तो आपको पूरे देश के हर स्टेट के लोगों को सम्मान देना। मैं बोलता हूँ भाई रैली कहीं पे भी हो रही है, दूसरे स्टेट का भी आदमी जा सकता है वहां देखने के लिए, कवर करने के लिए। आप ये कैसी असंवैधानिक बातें कर रहे हैं? आपने बंगाल को क्या बांग्लादेश बना दिया क्या कि बिना पासपोर्ट लिए कोई आएगा नहीं? ये सब चीजें ऐसी होती हैं जो कि बहुत गहरे से प्रभाव डालती हैं। और देखिए वोटर को भी नहीं पता होता है कि धीरे धीरे कब वो शिफ्ट हो गया। जो शिफ्ट का जो जो साइको जो साइकोलॉजिकल पॉलिटिकल इंटरेस्ट होता है ना, पॉलिटिकल काइनेसिस होता है माइक्रो लेवल पे, वोटर को भी नहीं पता चलता है कि धीरे 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 कैसे करके वो शिफ्ट हो गया दूसरी पार्टी की तरफ। हार्डकोर वोटर भी बहुत आसानी से शिफ्ट हो जाता है थोड़ा रेगुलर अगर काम कर दिया जाए। ये फैक्टर ऐसे रहे हैं कि टीएमसी इन फैक्टर्स को भांप ही नहीं पाई, और इसीलिए उनकी जितनी कैंपेन है वो सरफेस लेवल पे गई। हल्ला मत, मैं तो सिर्फ बोलूंगा कि टीएमसी ने जो भी मेहनत किया, पैसा खर्च किया, वो केवल जैसे वो इधर डांस कर लिया, उधर हल्ला मचा दिया, उधर शोर कर दिया ना, वो वेस्टेज गया। वो कोई सॉलिड ऐसा नहीं था कि मतलब जैसे ये होता है ना कि कील को अगर गाड़ना होता है दीवार में, इफ यू हैव टू नेल, तो वहां हथौड़ा कहाँ लगना चाहिए? एक पर्टिकुलर पॉइंट है वहीं पे आपको हथौड़ा रखना जो है लगना चाहिए, आपका प्रहार होना चाहिए एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो उतने माइक्रो लेवल पे ये उस पॉइंट को ढूंढ नहीं पाया। बड़ा इनका कैंपेन टीएमसी का बहुत जनरलाइज्ड हो गया, बहुत कंफ्यूज्ड हो गया और मुद्दों से हट गया। कौन से मुद्दे पे? भाई विकास का अगर आप मुद्दा पकड़ती हैं तो बीजेपी उसमें डोमिनेट करती है, डेवलपमेंट वगैरह की बात करती है उसमें डोमिनेट करती है। आप अपने कुछ रिस्ट्रिक्शंस के कारण, कुछ प्रिफरेंस के कारण खुल के हिंदुओं के बारे में आप नहीं बोल पाई तो आपके अपने लिमिटेशंस हैं, या किसी एक धर्म का या पक्ष आपने ले लिया तो वो आपकी अपनी प्रेफरेंस है। यानी हर जगह आप लिमिटेड ही होते चले गए, ब्रॉडर एरिया पे आपने सबको कवर करने की कोशिश नहीं की। तो ये वहां पे ऐसे फैक्टर्स रहे हैं।